जी बेटे, नेक्स्ट वर्ब जो हमारे पास है, नेक्स्ट वर्ब हमारे पास है इनडेफिनेट। जी बेटे, नेक्स्ट वर्ब जो हमारे पास है, नेक्स्ट वर्ब हमारे पास है इनडेफिनेट। अब इनडेफिनेट में आपने याद रखना है, इनडेफिनेट में तीन इनडेफिनेट डिफरेंट होते हैं। देखें, ऐसा एक्शन जो हमारी रूटीन होती है, जो हमारी हैबिट होती है, या पढ़ चुके हैं इन बातों की, यहाँ पर वैसे जरूरत नहीं है वैसे एंटी टेंस में, ये 9th 10th क्लास फर्स्ट सेकंड लेवल की बातें हैं कि इनडेफिनेट प्रेजेंट डेफिनेट में रूटीन होती है, हैबिट होती है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, उसको हम प्रेजेंट इनडेफिनेट बोलते हैं। और ऐसा एक्शन जो वंस इन पास्ट हुआ, ऐसा एक्शन जो एक दफा पास्ट टाइम में हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट इनडेफिनेट। और ऐसा एक्शन जिसकी एक्सपेक्टेशन है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वंस इन फ्यूचर, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर इनडेफिनेट। मतलब अगर आपकी रूटीन हैबिट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे काम के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं ट्रांसलेशन के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट। पास्ट में हम बोलेंगे वंस इन पास्ट, अगर ऐसा एक्शन जो पास्ट में एक दफा हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनेट। और जो आने वाले वक्त में फ्यूचर में एक दफा एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट। अभी हमारे पास बेटे क्या होता है, याद रखिएगा, अभी आपके पास क्या होगा, तीनों में फॉर्म ऑफ वर्ब भी डिफरेंट यूज होती है, ठीक है, तीनों के हेल्पिंग वर्ब भी डिफरेंट होते हैं। लाइक अभी देखें, हमारे पास अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की सूरत में हमें इंडिविजुअल इनको डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और ये बच्चों मतलब आप पढ़ते रहे हैं, सबसे पहले टेंस ही आपने जब इंग्लिश पढ़ना सीखी है तो ये सीखे हैं। यहाँ पर हमें चीज़ें दो ही चाहिए होंगी, हमें यहाँ पे एक्टिव वॉइस चाहिए, पैसिव वॉइस चाहिए, ठीक है। उसके बाद वॉइस में हमें दो चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी चीजें चाहिए, एक हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए और एक हमें वर्ब चाहिए, क्योंकि हमने अपना क्या करना है, हमें अपना स्ट्रक्चर वेरीफाई करना है, हमें अपना स्ट्रक्चर जस्टिफाई करना है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ठीक है या नहीं ठीक। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर में हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं एफिर्मेटिव के लिए और एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। एफिर्मेटिव के लिए जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो हम एफिर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पास्ट इंडेफिनेट में हम जब उसका नेगेटिव जब जब हम उसका एफिर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं पास्ट इंडेफिनेट में, तो तब भी हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनेट हो या पास्ट इंडेफिनेट हो, दोनों सूरतों में एफिर्मेटिव स्ट्रक्चर में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। जब हम वर्ब की बात करेंगे एफिर्मेटिव में, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन होती हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन होगा, तो तब हम उसके साथ एस या ईएस का एडिशन करते हैं, और अगर प्लूरल होगा तो हम उसके साथ एस या ईएस का एडिशन नहीं करते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन आई भी सिंगुलर होता है, लेकिन चूंकि फर्स्ट पर्सन हम उसके उसके साथ भी एस का एडिशन नहीं करते, याद रखिएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के एफिर्मेटिव स्ट्रक्चर में हमारे पास जो सिचुएशन बनती है, वो एफिर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या होती है, कि कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, सर्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो फिर हमें उसके साथ एस या एस का एडिशन करना है, और अगर नहीं है तो फिर हमें उसके साथ एस या एस का एडिशन नहीं करना है। अच्छा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से होते हैं, डू और डज। जिनके साथ हम एस का एडिशन करते हैं उनके लिए हम डज का वर्ड यूज करते हैं, जिनके साथ हम ऐसे इसका एडिशन नहीं करते उनके लिए हम डू का वर्ड यूज करते हैं। और जब हम डू और डज यूज करेंगे, तो सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, याद रखिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट में एफिर्मेटिव स्ट्रक्चर में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती है, सेकंड यूज होती है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो क्या होता है, डिड, और डिड के साथ आपने याद रखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक हो क्या। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनेट में, और फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में मैं अक्सर कहता हूं, ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे आसान तरीन सेंटेंस है,
आसान तरीन टेंस है, विल और शैल आएगा और विल और शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हम किन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये हम बेटे बात कर रहे हैं एक्टिव स्ट्रक्चर की, ये हम किन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं एक्टिव स्ट्रक्चर की। पैसिव स्ट्रक्चर में चलेंगे तो पहली बात तो आपने याद रखनी है कि पैसिव स्ट्रक्चर में चाहे प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, पास्ट इंडेफिनेट हो या फ्यूचर इंडेफिनेट हो, दोनों सूरतों में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट थर्ड फॉर्म यूज होगी। पैसिव वॉइस का मतलब ही थर्ड फॉर्म होता है, पैसिव वॉइस का मतलब ही थर्ड फॉर्म होता है। आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है किसी भी टेंस के पैसिव वॉइस के लिए। हम 6 टेंस इससे पहले पढ़ चुके, 3 टेंस अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी 3 टेंस पढ़ेंगे। हर टेंस के पैसिव स्ट्रक्चर के लिए हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। अच्छा देखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब हैं वो बेटे हमारे पास क्या होते हैं, वाज, और वो हमारे पास क्या होते हैं, सॉरी, वो हमारे पास क्या होते हैं, इज, वो हमारे पास क्या होते हैं, एम, और वो हमारे पास क्या होते हैं, आर। याद रखिएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे, इज, एम, आर। इसको मैं जरा करेक्ट बना देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इज, एम, आर। ये वही हेल्पिंग वर्ब है जो कंटीन्यूअस के एक्टिव वॉइस में होते हैं। पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वाज और वर। और फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए हम बी का एडिशन करेंगे, विल बी और शैल बी। आपको क्या करना है, आपको हर टेंस में से दो वॉइसेस उसकी देखनी है, दो वॉइस में आपने उसका हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब देखना है कि आपने उसका हेल्पिंग वर्ब सही से यूज किया है और फॉर्म ऑफ वर्ब सही से यूज हुआ कि नहीं। क्योंकि हमें ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, हमने खुद से कोई सेंटेंस नहीं लिखना, हमने लिखे हुए सेंटेंस को जस्टिफाई करना है। तो जब लिखे हुए सेंटेंस को जस्टिफाई करना होता है तो फिर हमें ट्रांसलेशन के रूल्स नहीं चाहिए होते हैं। फिर हमें क्या चाहिए होता है कि आपको पता हो कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है कि एफिर्मेटिव में, एफिर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड सेकंड डिड आता है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर हमने इसका पैसिव वाइज बनाना होता है तो पैसिव वाइज बनाने के लिए हम वाज वर लिखेंगे और वाज वर के साथ कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। क्योंकि पैसिव वाइज के लिए हमेशा यूज ही कौन सी होती है बेटे, थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये आपके पास किसके स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनेट एक्टिव स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनेट पैसिव स्ट्रक्चर, फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिव स्ट्रक्चर और फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिव स्ट्रक्चर।